बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुआ करता हूँ आप तमाम देखने वाले दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, के एम सी अंतिम गवर्नमेंट के ड्राइव सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक हर रूल की बुनियादों पर की जा रही है मुख्तलिफ इलाकों में। कराची में आज एक टाइम शदीद तरीन गर्मी है और टेम्परेचर जो है तकरीबन दर्जा हरारत वो 38 के करीब है। इस गर्मी में भी जो है के एम सी एंड गवर्नमेंट की कार्रवाइयाँ तजावजात के खिलाफ जारी है। इस वक्त जो ये कार्रवाई चल रही है वो जहांगीर रोड का इलाका है, जमशेद टाउन डिवीज़न, और यहाँ पर से के एम सी एंड गवर्नमेंट ड्राइव शुरू हुई है। आगे देखते हैं कहाँ तक चलती है। तो हमारे साथ जुड़े रहें और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि के एम सी की इंक्रोचमेंट ड्राइव मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहती है। अब हम जो है जिन जिन इलाकों में इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई है कुछ दिनों के बाद उधर की ताज़ा तरीन अपडेट भी दिया करेंगे ताकि पता लगे चेक एंड बैलेंस क्या पोजिशन है, क्या इंक्रोचमेंट दोबारा लौट के आ रही है। अगर दोबारा लौट के आ रही है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, और अगर नहीं वो जगहें खाली हो रही हैं और उसके बुनियादों पर वहाँ चेक एंड बैलेंस जारी है तो अच्छी बात है। काफ़ी भारी भारी मुर्गी वालों के पिंजरे और ये लेडीज़ का काउंटर है वो भी अब जब्त हो रहा है, उसके बुनियादों पर फुटपाथ पर रखा हुआ था। रेलवे वगैरह जो जो चीज़ें लिफ्टर को नज़र आ रही हैं सर्विस रोड या फुटपाथ पर, उन सबको लिफ्टर जो है वो ट्रकों में लोड कर रहा है। इसको हम सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कह सकते हैं। जाहिर बात है इतनी शदीद गर्मी है इस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकता। हलवा पूरी का नाश्ते वाले का काउंटर भी अब ट्रक में लोड हो चुका है। ना जाने किन किन के काउंटर हैं, ठेले हैं जो के मुस्तकिल बुनियादों पर फुटपाथ और सर्विस रोड पर रखे हुए हैं, उन सब को लेकर जब्त कर रहा है। आज मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, गले में तकलीफ भी है।
दोस्तों गर्मी की शिद्दत इतनी है कि पूर्णा भी अभी पानी भी पिया है और पानी देखा पिया जा रहा है, और ऐसी गर्मी में तमाम लोगों को गुजारिश है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और दूसरी जानब जो है ब्रिज के नीचे मौजूद ठेले वगैरह इनको भी यहाँ से हटाने का हुक्म दिया जा रहा है कि ब्रिज के नीचे ये जगह खाली कर दें, जबकि फ्रूट वाले तो बेचारे छाँव में बैठे रहते। बहरहाल उसकी वजह से इनकी वजह से ट्रैफिक भी रुक जाता है, जाम हो जाता है, ये भी मसाइल पैदा होते हैं। बहरहाल उनको तंबीह की जा रही है कि अंदर की तरफ होते हैं, मेन रोड की तरफ ना आए। तो दोस्तों ये थी एक अपडेट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव KMC की। तो यहाँ से अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, जिंदाबाद।